हे एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अगस्त 24, 2018 और डे है फ्राइडे। और आज के द हिंदू के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है मेरे पास, और सवाल यह है, आपको आज मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके, व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ICJ के नाम से जानते हैं। ओके, देखो ये जो एक्सरसाइज है ये जरूरी होती है। कल हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन लिया था, आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो अगर आप लोग गूगल का इस्तेमाल करते हो या बुक्स का इस्तेमाल करते हो या आपको कोई चीज़ पता है तो वो रिवाइज हो जाती है और एक चीज़ आपकी पक्की हो जाती है। यही मेरा मकसद रहता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। तो फ्रंट पेज पे आपको आज जो खबर मिलती है वो है, सेंटर वॉन्ट सुप्रीम कोर्ट टू गेट टफ विथ फेसबुक एंड यूट्यूब। तो बेसिकली टफ तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ ही होना है, पर यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो नाम मेंशन है वो है फेसबुक का और यूट्यूब का, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर फेसबुक और यूट्यूब पे ही चलती हैं, वहीं पे वायरल होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेंटर क्या चाहता है, सेंटर चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नए निर्देश जारी करे, कुछ नई गाइडलाइंस जारी करे, किसके लिए, जो ऑनलाइन वीडियोस होती हैं ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन वीडियोस को ऑन एयर ना किया जाए, उनको रोका जाए, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो अच्छी तरीके से हो और उनके ऊपर अच्छी तरीके से एक्शंस लिए जाएँ। इसके लिए सेंटर डिमांड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे लिए कुछ नए डायरेक्शंस सामने लेकर आओ। अब यहाँ पे सेंटर ने कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए हैं। उन सजेशन से पहले एक चीज़ याद रखो, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। अक्टूबर 2017 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट पहले से ही निर्देश दे चुका था कि किस तरीके से आपको रिमूव करने हैं जो सेक्सुअली वायलेटिंग कंटेंट हैं फ्रॉम ऑनलाइन या जो ऑन एयर या इंटरनेट पर जो चले जाते हैं उनको किस तरीके से रिमूव होना चाहिए, पर उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो यहाँ पे सेंटर ने कुछ सजेशन दिए हैं कि जो डायरेक्शन है वो किस किस बेसिस पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं उनके लिए एक मैप बनाया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो पहले यहाँ पे जो सजेशन हो सकता है और जो सेंटर देना चाह रहा है वो है फास्ट ट्रैक। तो बेसिकली अभी आप लोग देखते हो जो वीडियोज़ के नीचे एक फ्लैग वाला ऑप्शन आता है वो आता है रिपोर्ट का। तो अगर आपको कोई वीडियो सही नहीं लगती है, उसमें कोई सेक्सुअली वायलेटिंग कंटेंट आपको लगता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कंटेंट रिमूवल का जो टाइम होता है वो होता है 36 hours, 36 घंटे का समय होता है। अब सोचने की बात यह है कि 36 घंटे में तो कोई वीडियो वायरल हो जाती है, तो ये जो टाइम है ये बहुत लंबा पीरियड है। सबसे पहले सजेशन यही है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसे छोटा कर दिया जाए, इसे कम कर दिया जाए, और कम करके कितना कर दिया जाए, 10 घंटे कर दिया जाए, 10 आवर्स कर दिया जाए। जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि जो सेंटर है वो चाहता है कि कुछ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो, वो कुछ एजेंसीज के साथ टाई अप करें। जो एजेंसीज होंगी वो क्या काम करेंगी, वो बेसिकली उनका काम यही रहेगा कि जो ऑनलाइन कोई वीडियो जा रही है उनको देखना कि उन वीडियो में कोई भी इस तरीके का कंटेंट ना हो, कोई भी सेक्सुअली वायलेटिंग कंटेंट ना हो, कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी या और किसी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट ना हो, कोई कंटेंट है तो उसके रिमूवल का काम वो एजेंसी करे। और इस एजेंसी के अलावा ये भी सजेशन दी जा रही है कि कुछ इस तरीके के अपना डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर जिनका काम ही यही होगा। बेसिकली यूट्यूब के पास तो इस तरीके का डिपार्टमेंट है प्रेजेंटली, पर वो इतनी ज़्यादा सतर्कता से काम नहीं कर पाता। जो तीसरा यहाँ पे जो सजेशन है वो ये है कि जो सेंटर है वो चाहता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये भी बता सकें, ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो कंटेंट है, जो इलीगल कंटेंट जो ऑनलाइन जा रहा है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है। अब उसकी फ़ायदा क्या होगा अगर ये चीज़ हमें पता लग जाएंगी, तो देखो पेज नंबर 10 पे एक आर्टिकल है इसी से रिलेटेड, वो हमें इसका आंसर दे रहा है और वो कह रहा है कि जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगी अगर इस तरीके की चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइडर बता सकेंगे कि ये जो कंटेंट है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का साथ में काम करना जरूरी है, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो देखो यहाँ पे खास बात यह है, जिस तरीके मॉब लिंचिंग के केसेस हमने देखे, जिस तरीके से वो वायरल हो गए और फिर जो भी चीज़ें हैं फेक न्यूज़ की चीज़ें हैं, जो रूमर्स फैल जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोगों को रोकना चाहिए। इसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी हमारी लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जो सरकार है उसने कीवर्ड की रिपोजिटरी जारी
करी है, जिस तरीके से हमारी डिक्शनरी होती है इसी तरीके से इन्होंने 500 वर्ड्स की रिपॉजिटरी जारी करी है। उसके अंदर कुछ इंग्लिश के भी और हिंदी के भी वर्ड्स हैं जो कि एक सरकार की नज़र में अगर वो वर्ड सर्च होते हैं या वो किसी वीडियो के अंदर आते हैं या वीडियो के टाइटल में आते हैं तो वो एक वायलेटिंग चीज़ होती है, तो उनको डाउन करा जा सकता है इंटरनेट से। तो ये आपको पेज नंबर 10 वाला आर्टिकल है, तो ये वाले हमने जो आर्टिकल था ये पूरा कवर कर लिया। देखो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है केरला ब्लेम्स तमिलनाडु फॉर फ्लड्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि आज थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर फ्लिप करना पड़ेगा, 2-3 पिन्ने आगे पीछे होंगे। उसका रीज़न ये है कि केरला से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है केरला फ्लड से रिलेटेड वो इसी आर्टिकल के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, नहीं तो क्या होगा कि न्यूज़ ब्रेक हो जाएगी, आप लोग ट्रैक नहीं समझ पाओगे। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली केरला ने यहाँ पे जो फ्लड वाली कंडीशन है उसमें देखो मैक्सिमम रोल तो यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल ने तो प्ले किया ही, पर उसके साथ साथ जो फ्लड है उसकी जो जिम्मेदारी है वो तमिलनाडु के ऊपर भी जाती है, ये कहना है केरला का। और केरला ने ये बोला है कि जो यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है उसके अंदर से जो पानी छोड़ा गया उसके जितने भी शटर्स थे टोटल 13 इन नंबर उनको ओपन कर दिया गया और पानी का फ्लो बढ़ा दिया गया केरला की तरफ, तो उससे क्या हुआ केरला में जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई केरला के अंदर। तो यही बात है कि केरला ने तमिलनाडु को बहुत बारी ये बोला कि आप लोग जो पानी रिलीज़ कर रहे हो उसे थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में करो, क्योंकि जो पानी है वो फिर जा रहा है रिजर्वायर्स के अंदर और रिजर्वायर्स का जो पानी है वो पहले से ही ऊपर जा चुका था ड्यू टू द रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो रही थी। ओके तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो केरला है वो डायरेक्टली तमिलनाडु को ब्लेम कर रहा है कि हमारे स्टेट में जो सिचुएशन हुई है उसमें तमिलनाडु भी उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार है जितना बरसात। ओके तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि जो 13 के 13 जो शटर्स थे उनको खोल दिया गया और मुल्ला पेरियार डैम का जो पानी था वो इडुकी जो रिजर्वेयर है उसके अंदर आके भर गया, और उसका जो पानी था वो पहले ही भरा हुआ था तो वहाँ से जो पानी है वो भी आउटफ्लो हो गया और उसने कहीं ना कहीं फ्लड को और भी ज़्यादा डिजास्टरस बना दिया। ये साफ साफ कहना है केरला का तमिलनाडु को, और ये बात की गई जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पार्टीज आमने सामने खड़ी हुई थी। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये भी बोला गया था, केरला ने बोला था कि जब हमने तमिलनाडु के जो भी हैं जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बात करी थी तो हमने बोला था कि 139 फीट से ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, पर वो फिर भी चला गया। ओके उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो साफ साफ यही बात है कि दूसरी स्टेट के ऊपर यहाँ पे ब्लेम लगाया जा रहा है। अब मुल्ला पेरियार डैम के बारे में एक बार समझने की कोशिश करो, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। देखो पहले भी मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड कहाँ पे है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है स्क्रीन पे देखो। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये लोकेटेड तो केरला में है पर इसका जो कंट्रोल है जो इसको कंट्रोल करता है वो केरला नहीं करता है, कंट्रोल है इसका तमिलनाडु के पास। ओके इन सब चीज़ों को याद रखो कि तमिलनाडु कंट्रोल करता है, क्योंकि तमिलनाडु ने 999 ईयर्स के लिए लीज में ले रखा है मुल्ला पेरियार डैम। ओके डिस्कशन में लिया था जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे उस समय, याद रखा करो जब मैं रिवाइज करता हूँ उन सब चीज़ों से ही सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। तो इसीलिए तमिलनाडु क्या करता है ऑपरेट करता है उस डैम को, और जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो तमिलनाडु यहाँ पे रेंट पे करता है केरला को। अब क्या हुआ है कि तमिलनाडु का जो यहाँ मदुरई वाला रीजन है उसके अंदर पानी भेजने के लिए जो डैम है उसके शटर्स क्लोज कर दिए जाते हैं और पानी वहाँ पे भेजा जाता है वहाँ के फार्मर्स को पानी पहुँचाने के लिए, पर यहाँ पे जो केरला है उसके साथ नुकसान हो गया क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम का जो पानी है वो एकदम से छोड़ दिया गया बाय तमिलनाडु। ओके तो यहाँ से जो रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको मिलेगी पेज नंबर 10 पे। पहले आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 10 की तरफ, तो पेज नंबर 10 पे आपको यही न्यूज़ मिलती है कि किस तरीके से ओडी के रिजर्वायर है वहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बढ़ गया, जिसने कहीं ना कहीं जो फ्लड वाली जो सिचुएशन थी उसको और भी ज़्यादा डिजास्ट्रस कर दिया। और ये चीज़ चल रही थी 3 जजेस बेंच के सामने जिसको हेड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी। ओके अब यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 7 पे, और पेज नंबर 7 पे आपको जो केरला से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है वो यही है कि जो सिचुएशन थी वो किन किन वजह से इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई उसके लिए कुछ मैप्स दिए हुए हैं, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। ग्राफ को मैंने डिवाइड कर दिया है, बेसिकली ग्राफ एक लंबा ग्राफ है, मैंने उसको छोटा छोटा डिवाइड किया है जिससे आपको और ज़्यादा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। तो चलो जो पहला ग्राफ है वो कह रहा है कि सीजनल हाई,
आप देखोगे जो एंड वाला जो यहाँ पे आप मूवमेंट देखोगे अगस्त 10 से अगस्त 20 तक का, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स दिखाई दे रही हैं। इसका यह मतलब है कि जो मानसून है वो जो आखिरी हफ्ता था उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और जो नॉर्मल फोरकास्ट है आप देखोगे उससे कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो इस वजह से जो फ्लड वाली सिचुएशन है वो आ गई। जो सेकेंड ग्राफ है वो कह रहा है हैवी इनफ्लो, उसका ये डायरेक्टली मतलब है कि जो मल्ला पेरियार डैम या बाकी सब जगह से जो पानी छोड़ दिया गया और ऊपर से बरसात हो ही रही थी, तो उसने जो इडुकी रिजर्वायर है, यहाँ पे शोलाया रिजर्वायर है, पंबा रिजर्वायर है, उनके अंदर जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया। तो आप सेम वो टाइम देखोगे अगस्त 10 से अगस्त 20 के बीच में जो हाइट्स जा रही हैं, चाहे वो ऑरेंज लाइन की हो, रेड लाइन की हो या ब्लू लाइन की हो, वो रिजर्वायर्स की लाइन है, और जो इनफ्लो है वो बढ़ गया गया, ठीक है। और अगस्त 16 को तो जो इडो की रिजर्वेयर है उसका जो पानी का जो लेवल था वो हाईएस्ट था पूरे के पूरे मॉनसून सीज़न का। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हाई स्टोरेज। तो देखो जितने भी यहाँ पे डैम्स होते हैं उनकी कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे जो रिजर्वेयर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई ड्यू टू द टोरेंशियल रेनफॉल्स, और अगस्त 15 के आसपास आप देखोगे वो कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ आखिरी चीज़ है लेट रिलीज़। तो बेसिकली रिजर्वॉयर्स के अंदर जो पानी था वो बहुत ही मिनिमम था बिटवीन जुलाई एंड अगस्त 9, और स्टोरेज को प्रिवेंट किया गया, सोचा गया कि स्टोरेज में हम लोग रख लेते हैं उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, रिलीज़ करेंगे तो फ्लड आ जाएगा। पर बाद में क्या हुआ, रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो गई कि पानी जो मात्रा थी, बढ़ने की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद उन्होंने फिर रिलीज़ करना चालू किया जो उन्होंने पहले ही धीरे धीरे रिलीज़ कर देना चाहिए था। तो वो भी आप अपने ग्राफ में देख सकते हो कितना ज़्यादा जो स्टोरेज है वो बढ़ गई, जो लेट रिलीज़ था वो कितना ज़्यादा नुकसान दे रहा। इसके साथ साथ देखो जो आपस में जो इंटर स्टेट जो कोऑपरेशन होता है वो नहीं बन पाया केरला के साथ और तमिलनाडु के बीच में। देखो तमिलनाडु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी स्टेट में भी कहीं ना कहीं आपदा आ सकती थी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें रिलेटेड है। इसके साथ एक और न्यूज़ इसी के नीचे केरला से रिलेटेड, तो कल हमने बात कही थी कि जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है उसने 700 करोड़ रुपीज़ का एक तरीके से ऑफर किया था केरला फ्लड के लिए, पर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिजेक्शन दिखाया है। इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रेन कर रही है, अपने आप को बैक ऑफ कर रही है, और नहीं चाहती कि हम लोग कोई बाहर के किसी देश से यहाँ पे कोई सहायता लें। द रीज़न इज़ यहाँ पे जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो 2004 से चालू हुई जब हमारे यहाँ सुनामी आई थी, और उस समय भी हमने किसी और कंट्री से मदद नहीं ली थी। हम लोग कहते हैं कि हम जो सबसे पहले अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसकी मदद से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम सेल्फ सफिशियंट हैं, अगर वो नहीं होता है तभी हम लोग बाहर की किसी कंट्री की सहायता लेंगे। ओके, क्लियर कट शॉर्ट ऑफ। पर यहाँ पे देखो केरला तो स्टिफ है, केरला कह रहा है कि अगर आप लोग बाहर से पैसा नहीं ले रहे हो तो हमें कंपेंसेट करो, और कंपेंसेट बैठ रहा है बहुत ज्यादा, 20,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का भी नुकसान झेला है केरला ने। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत ही गुडविल गेस्चर आया है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों के बिहाफ से, उनकी तरफ से हम लोग हमारी प्रेयर्स और विशेष भेजते हैं केरला के लिए, केरला में जो फ्लड हुआ है उसके लिए, और जितने भी लोग हैं उनके तरफ हमारी जो सहायता है वो हमेशा खुली हुई है, और हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए तैयार हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट को नीड होगी तो। तो बहुत ही गुडविल गेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे। इसके साथ ही देखो सेंटर ने भी ये बोला है कि जो हम लोग कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपीज़ दिए हैं हमने, वो सिर्फ एक एडवांस अमाउंट है, वो कोई पूरा अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ इनिशियल अमाउंट दिया गया है, उसे धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाएगा। और इससे पहले 562.45 करोड़ सेंटर दे चुका था, तो उसके बाद ये 600 करोड़ रुपये का और एक्स्ट्रा एड हमारे सामने आया है। इसी के साथ आपको एक और न्यूज मिलती है, छोटा आर्टिकल है, व्हेन फ्लड वॉश्ड अवे रिलीजियस बैरियर्स। तो जब फ्लड आता है तो सब लोग अपने सारे जो द्वेष भाव होते हैं वो सब भूल जाते हैं और एक दूसरे की सहायता में लग जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जो इंसानियत है वो दिखाई देती है। अब देखो केरला से रिलेटेड ही एक और आर्टिकल आपको पेज नंबर 5 पे मिलता है, तो अब आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, कीप लेवल अंडर 140 फीट सेज मुल्ला पेरियार पैनल। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी सब कमेटी टू मॉनिटर
दी वाटर इन मुल्ला पेरियार डैम, और उसने रिकमेंडेशन दी कि तमिलनाडु को जो पानी है मुल्ला पेरियार डैम का वो मैक्सिमम 140 फीट तक ही रखना है और 140 फीट से नीचे ही रखना है इन द लाइट ऑफ द फ्लड इन केरल। आज इस तरीके से केरला की जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इससे पहले जो मैक्सिमम लेवल था वो 142 फीट वाला था, तो इनसे रिलेटेड अब यहाँ पे एक और मुल्ला पेरियार पैनल से रिलेटेड भी हम लोगों ने कवर कर ली एक रिपोर्ट। ओके, तो चलो अब वापस आ जाओ पेज नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है व्हाट्सएप बैट्स फॉर यूज़र प्राइवेसी। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को बोला था कि जो फेक मैसेजेस हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आप उनको ट्रैक करके हमें बताओ। ठीक है, पर यहाँ पे व्हाट्सएप ने बोला है कि हम लोग आपकी जो निर्देश हैं, जो आपकी सलाह है, इस पे कंप्लाई नहीं करेंगे, आपकी सलाह नहीं मानेंगे। द रीज़न इज़ कि हम लोगों के लिए हमारे जो यूज़र हैं उनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी का मुद्दा होता है कि किसी के मैसेजेस कोई ना पढ़े, उसके लिए एनक्रिप्ट किए जाते हैं मैसेजेस की कोडिंग की जाती है, तो उसको कोई चीज़ ना हो सके, जो प्राइवेसी है उसका हनन ना हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने बोला है कि हम लोग आपके जो पर्टिकुलर आपने चीज़ें बोली हैं इनके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग नहीं देख सकते कि जो फेक मैसेज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको पेज नंबर 10 के आर्टिकल में मिलती है। तो आप देख सकते हो पेज नंबर 10 का आर्टिकल, वो कह रहा है विल नॉट वीकन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो ये कहना है व्हाट्सएप का कि जो प्राइवेसी वाला जो मुद्दा है, ओके, जो आर्टिकल 21 भी देता है हमें, उसको हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है व्हाट्सएप का। ओके, तो यहाँ पे जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं कि कुछ सेंसिटिव कन्वर्सेशन होती हैं किसी एक इंडिविजुअल की, चाहे वो अपने बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हो या अपने डॉक्टर से रिलेटेड हो, अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ये चीज़ें नहीं कर सकता। पर व्हाट्सएप ने डायरेक्टली ये भी यहाँ पे बोला है कि हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे, वो ये है कि लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग फेक मैसेजेस हैं उनको खुद आइडेंटिफाई करें, लोगों को बताएं कि फेक मैसेजेस कितने नुकसान कर सकते हैं लोगों का, और इन सब चीज़ों में जो अवेयरनेस है उसके लिए व्हाट्सएप काम करेगा, ऐसा कहना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। और सेंटर अभी भी यही चाहता है कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको ओपन किया जाए बाय दी व्हाट्सएप। ओके, तो ये थी पेज नंबर 1 और पेज नंबर 10 के साथ जो रिलेटेड खबर थी व्हाट्सएप से लिंक। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 2। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया से ये पेज रिलेट करता है और यहाँ पे पंजाब से रिलेटेड एक खबर आई है सैक्रिलेज से। तो बेसिकली सैक्रिलेज मतलब किसी अनादार, आप ये समझो सैक्रिलेज का मतलब है अनादार। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई और पंजाब कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अमेंड करेंगे इंडियन पीनल कोड टू मेक सैक्रिलेज ऑफ ऑल रिलीजियस टेक्स्ट पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रीजनमेंट। तो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से लिंक करते हों, अगर कोई उन टेक्स्ट का अनादर करेगा तो उसे जो लाइफ इम्प्रीजनमेंट की जो सज़ा है वो दी जाएगी। ओके, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो पंजाब कैबिनेट है उसने अपना जो डिसीजन है वो पास कर दिया है। अब बेसिकली ये जो बिल है इसके अंदर एक नया सेक्शन आईपीसी के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, सेक्शन है सेक्शन 295AA, जो कि कहेगा कि हुसोएवर कॉजेज डैमेज और सैक्रिलेज टू श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भागवत गीता, होली कुरान एंड होली बाइबल विद द इंटेंशन टू हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द पीपल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अगर कोई व्यक्ति अनादर करता है, डैमेज करता है रिलीजियस टेक्स्ट को, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, या होली कुरान हो, या होली बाइबल हो, उनका अगर कोई अनादर करता है तो, और किसी एक रिलीजियस के जो सेंटीमेंट्स उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता है, तो उनको जीवन भर की सजा दी जा सकती है, जीवन भर जेल में भेजा जा सकता है। और अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी जो पर्टिकुलर आईपीसी के अंदर जो सेक्शन है 295A, वो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट देता है, तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ओके, तो बेसिकली ये जो बिल है ये एक बहुत अमेंडेड बिल है। अब ये जो बिल है थोड़ा सा एक आप कह सकते हो सेक्युलर बिल हो गया है। 2016 में जब इस बिल को लाया गया था इनिशियली, तो उसके अंदर सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का ही मेंशन था, पर अब इसके अंदर सारे रिलीजियस टेक्स्ट का मेंशन कर लिया गया है, ये अच्छी बात है। पर अपोजिशन और जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे कर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और
कहीं ना कहीं हम लोग डेक्रोनियन स्टेट के अंदर जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरीके के लॉ हैं जिससे जो वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान की, वो उनके खिलाफ लड़ रही है। लोगों की वहाँ पर रैलियाँ होती हैं इस पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ जो कि वहाँ के लिए गवर्न करता है। ओके, तो बेसिकली ये कहते हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कि जो ये पर्टिकुलर लॉ है ये बेसिकली सप्रेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, और बेसिकली इसका जो टारगेट होता है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा होता है, ऐसा कहना है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो यही जो सब मुद्दे हैं वो अपोजिशन उठा रही है, बाकी सारी गवर्नमेंट उठा रही हैं कि इस तरीके का लॉ पंजाब को नहीं लाना चाहिए था। ओके, तो सबके अपने अलग अलग सुझाव हैं इस लॉ से रिलेटेड, पर याद रखना कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरीके का लॉ पास किया है, ये एग्ज़ाम रेलिवेंट न्यूज़ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पेज नंबर 5 वाली न्यूज़ हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली जब हम लोग अपना आर्टिकल कवर कर रहे थे, पर पेज नंबर 7 के अंदर एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कशन में नहीं ली। द रीज़न इज़ क्योंकि वो जो न्यूज़ है वो केरला से रिलेटेड नहीं है। देखो यहाँ पे न्यूज़ कह रही है एक्सट्रीम रेनफॉल अ चैलेंज टू रिजर्वेयर ऑपरेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर की जो रिसर्च टीम है उसने कुछ सर्वे किया, और सर्वे किया गया हमारे देश के 7 बड़े डैम्स के, 7 बड़े जो लार्ज रिजर्वेयर्स हैं उनके अंदर। और यहाँ पे जो रिजर्वेयर्स थे जिनके ऊपर ये स्टडी की गई वो थे नाथा झाकरी, भाखरा नंगल, श्री सैलम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, सरदार सरोवर एंड इंदिरा सागर। ठीक है, इन 7 में से जैसा अब नाथा झाकरिया है या भाखरा नागल है वो सतलुज नदी के ऊपर लोकेटेड है, और इनका ऊपर जो मेन सोर्स है वो कैसे होता है, वो होता है स्नो मेल्ट की वजह से। जो ऊपर से जो ग्लेशियर से जो पानी स्नो मेल्ट होता है, जो हमारे हिमालय से जो पानी स्नो मेल्ट होता है, वो यहाँ पे इनका मेन सोर्स होता है। अब यहाँ पे बड़ा जो सवाल ये है कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, जो स्नो मेल्टिंग है वो बढ़ जाएगी, तो रिजर्वेयर्स के जो अंदर जो पानी है वो भी बढ़ जाएगा, उससे जो फ्लड लाइक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। उसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने उत्तराखंड वाले डिजास्टर में भी देखा था। ओके, तो ऐसे लिंक करो कौन सी चीज़ कैसे यहाँ पे लिंक की जा रही है, और जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देगा खासकर सेंट्रल साउथ इंडियन रीजन में। ओके, तो यहाँ पे यही बात की है कि जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो बढ़ जाएगी 2020 और 2030 के बीच में, उसके मिड एंड के आसपास, और 2070 और 2099 के बीच में ये जो कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग की और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जो कैचमेंट एरिया है वो भी 6-11% बढ़ जाएगा, और रिजर्वेयर के अंदर जो पानी है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो फ्लड लाइक कंडीशन है वो और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है पूरे के पूरे देश के अंदर। ओके, तो इन सब चीज़ों के पीछे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक स्टडी की गई थी कि रिजर्वेयर के ऊपर, डैम्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पे हमारे देश के ऊपर, क्या डिजास्टर आ सकता है, ये कहना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 11, और पेज नंबर 11 पे आपको खबर मिलती है सबसे पहली EPFO डेटा नॉट दी राइट गॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो बेसिकली जो हमारी EPFO है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो हमारे पास डेटा था उसको रिवाइज कर दिया गया है। ओके, और जब रिवीजन डाटा हमारे सामने आया तो उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखा गया है। ईपीएफओ ने मंडे को क्या किया, अपने जो नंबर थे, जो एनरोलमेंट नंबर्स थे, उनको डिक्रीज कर दिया फॉर द पीरियड ऑफ सितंबर 2017 टू मे 2018 बाय 5.54 लाख, तो 12.5% से डाउन कर दिया, और पहले यहाँ पे 44.74 लाख का एस्टिमेशन था, अब उसको कम करते कर दिया गया है 39.2 लाख का। ओके, तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा था वो अच्छी तरीके से नहीं आया, कुछ फेक डेटा था, कुछ लोगों को रिवाइज कर दिया, कुछ लोग चले गए, उन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये डेटा को रिवाइज किया गया है। पर यहाँ पे जो कुछ इकोनॉमिस्ट का इस डेटा के ऊपर एनालिसिस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है। तो उन जो इकोनॉमिस्ट के सजेशन है वो मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करे हैं, पूरे आर्टिकल थोड़ा लंबा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि याद रखना कि जो ईपीएफओ का जो काम होता है, जिस तरीके से ईपीएफओ डेटा ड्राफ्ट करता है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी भी जो ईपीएफओ की जो मेथडोलॉजी है जिससे वो ये पर्टिकुलर डेटा बनाता है वो क्लियर नहीं है।
ओके, वो बिल्कुल भी अच्छी मेथडोलॉजी नहीं है, ऐसा कहना है इकोनॉमिस्ट का। इसके साथ साथ ये बोला गया है कि जो ईपीएफओ का डेटा होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि कुछ लोग ईपीएफ जो छोड़ देते हैं अपने प्रोविडेंट फंड, कुछ लोग नहीं कराते, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ लोग छोड़ के अपने बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं, जॉब स्विच कर लेते हैं तो भी उनके अकाउंट स्विच हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ईपीएफओ को। इसके साथ साथ जो लो वेजेस वाला जो पिरामिड होता है, जिन लोगों की इनकम बहुत कम होती है, वो लोग पीएफ के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, अपने जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उनके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, और वो अपना पैसा अपने पास ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो उनकी इनकम नहीं होती है इतनी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ जो फाइनल चीज़ बोली गई वो ये है कि जो ईपीएफओ को जो नंबर में जो चेंज होता है उसमें एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा ही ये नहीं बताता कि एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया है। अगर नंबर डिक्रीज़ हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है, ठीक है, या नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये बता रहा है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ओके। तो ये सब चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि जो ईपीएफओ के नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर्स के ऊपर, तो ये पर्टिकुलर चीज़ बोली गई है इस आर्टिकल के अंदर। तो हम लोग एक पर्टिकुलर डेटा से बाकी सारी चीज़ें रिलेट नहीं कर सकते, पर ईपीएफओ ने जो अपना डेटा है उसको रिवाइज़ कर दिया है। इसी के नीचे आपको एक खबर मिलती है, ओन हाउस फॉर एवरी इंडियन फैमिली बाय 2022, ऐसा कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उन्होंने डेडिकेट किया 1 लाख हाउसेस जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बिल्टअप किए गए गुजरात के अंदर। तो यही बोला गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी उन्होंने बोला था कि इफ 1 रुपी इज रिलीज्ड फ्रॉम दिल्ली ओनली 15 पैसा रीचेज द प्योर, अगर दिल्ली से 1 रुपया रिलीज होता है तो सिर्फ 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है। पर हमारे प्रधानमंत्री ने अब ये बोला है, मोदी जी ने ये बोला है कि अब आज की जो सरकार है अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीबों तक भी 1 रुपया ही पहुंचता है, और यहाँ पे ये कहना है कि हर किसी भारतीय के पास अपना घर होगा 2022 तक। तो ये चीज़ आप याद रखना। इसी के साथ नीचे आपको एक और आर्टिकल मिलता है इंडिया और चाइना से रिलेट करते हुए, तो बेसिकली एक हो रही थी हमारी यहाँ पे CBM, तो CBM मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए बॉर्डर के आसपास। तो बेसिकली कंसल्टेशन मीटिंग चल रही थी बिटवीन आर डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो कि इंडिया की विजिट पर हैं, वी फिंगी जो कि डिफेंस मिनिस्टर जनरल हैं चाइना के, वो इंडिया की विजिट पर हैं और यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर बात हो रही है जो कि हमें बॉर्डर के अराउंड बिल्डअप करना है, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे यही बात की गई जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके क्या करना चाहिए, आपस में ट्रेनिंग करनी चाहिए, एक साथ कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उनके क्या होगा जो ट्रस्ट होगा वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा एक दूसरे के साथ वो बिल्टअप होगा। तो वो डोकलाम इशू के बाद कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो और ख़राब हो गए थे, पर उनको रीबिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और कुछ बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो सकते हैं बेसिकली डिफेंस एक्सचेंजेस के अंदर। याद रखना ये सब चीज़ें हो रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में। और इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, बेसिकली यहाँ पे जो सेंटर है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे दिए हैं आंगनवाड़ी से लिंक। तो यहाँ पे आर्टिकल है कर्प फंड मिसयूज इन आंगनवाड़ी, तो सेंटर का ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट को जो कि आप लोग सर्वे करो और ढूंढ के निकालो जो फेक बेनिफिशियरीज हैं आंगनवाड़ी के और उनको बाहर निकालो, उससे क्या होगा जो मिडल मैन है वो चले जाएंगे और बहुत सारा पैसा सरकार का बच पाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ सेंटर ने क्यों बोली, क्योंकि अभी रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने सर्वे कराया और ये बताया कि 14 लाख गोस्ट बेनिफिशियरीज थे आंगनवाड़ी स्कीम के अंदर, 14 लाख, ठीक है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए हर एक स्टेट को अब नया सर्वे करना पड़ेगा, और असम का जो सर्वे था उसके अंदर ये देखा गया कि 3 लाख फेक चिल्ड्रन थे, और आप देखोगे एक बच्चे पे 8 रुपये पर डे का खर्चा आता है, तो आप 3 लाख से मल्टीप्लाई करके देखो कि कितने ज़्यादा पैसे से अब सरकार के बच पाएंगे जब फेक बेनिफिशियरीज को हमने खोज के निकाला है। तो जो आंगनवाड़ीज है उनके अंदर जो फेक बेनिफिशियरीज है उनको खोजना है, ऐसा कहना है सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को अब करना पड़ेगा सर्वे, ओके। तो इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते हो, आगे आपको खबर मिलती है पेज नंबर 12 पे, वर्ल्ड वाला ये पेज है, यूएस चाइना से लिंक यहाँ पे न्यूज है। तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के ऊपर जो $34 बिलियन का जो यहाँ पे अमाउंट था उसके ऊपर लगाया टैरिफ, अब उसको बढ़ाकर
हमें जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने बोला था कि हमारा यहाँ पे टारगेट है 50 बिलियन का, उसको कंप्लीट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर से एक और टैरिफ स्लैब किया है $16 बिलियन के ऊपर। ओके, तो टोटल अब $50 बिलियन के ऊपर यहाँ पे टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर। ओके, अब इसके क्या हुआ है, जो चाइना है उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी काउंटर अटैक कर दिया है, और जो यूएस के गुड्स हैं, खासकर जो हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल्स हैं जो कि इसी डर के मारे यूरोप में भागने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगाए हैं। कुछ डंप ट्रक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, एसफाल्ट्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। तो बेसिकली जो मोटर्स थे, जो यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड की दो बड़ी इकोनॉमी इस तरीके के ट्रेड टैरिफ वॉर के अंदर घुस चुकी हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरी की पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे रुपये के गिरने का एक कारण ये भी है। इसके साथ साथ एक जो पेंडिंग जो चलता आ रहा है, जो यहाँ पे जो टारगेट रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कि चाइना के कितने अमाउंट के ऊपर टैरिफ लगाना है, तो वो है $200 बिलियन का, क्योंकि धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे लगाता जाएगा सैंक्शंस। इसके खिलाफ चाइना WTO भी गया हुआ है, पर WTO में जो सुनवाई है वो थोड़ी देरी में होती है, और WTO थोड़ा सा बायस भी है, ये सब आप और मैं जानते हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या नए डिसीजन आते हैं। तो चलो आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ पेज नंबर 13 की तरफ, बिजनेस वाला ये सेक्शन है, और यहाँ पे आपको एक मूडीज से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। तो मूडीज से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है कोई भी रेटिंग एजेंसी से, वो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पता लगता है कि वो हमारे देश के बारे में क्या सोचती हैं। तो यहाँ पे मूडी का कहना है कि इंडिया ग्रो करेगी 7.5% से इन 2018 एंड 2019। बेसिकली मूडीज ने ये बोला कि जो G20 की जो ग्रोथ है वो रहने वाली है 3.3% इन 2018, और बोला है कि G20 बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी, और 3.1% रहेगी 2019 के अंदर। जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो उनकी ग्रोथ रहने वाली है 2.3% इन 2018 एंड 2% इन 2019, और इंडिया के लिए बोला गया है कि 7.5% की ग्रोथ रहेगी इंडिया की 2018 में भी और 2019 में भी। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। बेसिकली मूडीज निकालती है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक, उसके अंदर ये सारी की सारी बातें की गई हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्लोबल मैक्रो आउटलुक कौन सी एजेंसी निकालती है, और ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिया को किस हिसाब से रेट करती हैं। ओके, तो चलो अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे जो न्यूज़ हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 14 है, यहाँ पे बिजनेस वाला सेक्शन है। तो बेसिकली जिस तरीके से मेक इन इंडिया वाला इवेंट होता है, इसी तरीके से बाकी सारी स्टेट्स भी अपना मेक इन वाला इवेंट करती हैं, और मेक इन ओडिशा वाला जो इवेंट होगा 2018 एडिशन जो होने वाला है उसके अंदर पार्टनरशिप करी है जापान ने, और ओडिशा कह रहा है कि आगे आने वाले समय में ओडिशा बनके दिखाएगा एक मैन्युफैक्चरिंग हब, और बेसिकली पोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ओडिशा देखो अपने पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब, ऐसा कहना है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का, और इसके लिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्वाइट भी कर रहे हैं। इसी के नीचे एक और आपको न्यूज़ मिलती है, फ्लड डैमेज में स्लैश इंडियाज कॉफ़ी आउटपुट बाय 20%। तो बेसिकली इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोअर है इंडिया, और यहाँ पे आप देखते हो कि केरला के अंदर जिस तरीके से डिज़ास्टर आया है और उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उसके जो आसपास की जो स्टेट्स हैं, बेसिकली केरला, वहाँ पे भी इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला है। और अगर आप देखते हो जो केरला और कर्नाटका है वो दोनों आपस में 90% ऑफ दी हमारी देश की जो कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है 90%। अब देखो केरला में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट बाकी सारी चीज़ों पे भी देखने को मिलेगा। तो जो हमारे देश की जो कॉफ़ी का जो आउटपुट है वो 20% से कम होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा कहना है रेटर्स की एक रिपोर्ट का। ओके, ये आप याद रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, कल किस किसने मेडल जीते। तो बेसिकली कल हमने जीता एक सिल्वर शूटिंग के अंदर, मेंस डबल ट्रैप के अंदर शार्दुल विहान ने ये मेडल हम लोगों को दिलाया है। इसके साथ साथ हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टेनिस के अंदर, वुमेन सिंगल्स के अंदर, और अंकिता रैना ने हमको ये मेडल दिलाया है। दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम लोगों की तरफ से। इसके साथ साथ चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले पेज पे देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो लास्ट वाले पेज पे एक आपको एक न्यूज़ मिलती है, DNA रिवील्स
फर्स्ट इंटर स्पीसीज चाइल्ड। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये थोड़ी एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार रीड कर लेना अगर आपका मन हो तो। पर इसके नीचे आपको एक न्यूज़ मिलती है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अब वो ये है, जिस तरीके से कभी कभार आप लोग भी ब्लश कर जाते होंगे, चीक्स रेड हो जाते हैं, इसी तरीके से बर्ड्स भी ब्लश करती हैं। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखा गया, रिएक्शन देखा गया एक मैको का। तो मैको इज़ अ बर्ड जो ब्लू एंड येल्लो मैको, जिसकी आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हो, तो देखा गया उनकी आइज के आसपास किस तरीके से रिएक्शन के थ्रू उनकी आइज के आसपास एक रेडिश कलर आ गया, और वो देखा जा रहा है कि वो एक तरीके का ब्लश वाला रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी जो पिक्चर है उनको कंपेयर किया गया कि बर्ड्स भी कितनी अच्छी तरीके से अपनी जो इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ये बात की गई। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी ही खबरें थी, थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ थी, पर मैंने कोशिश करी कि उनको आपके लिए एक सेट ऑर्डर में इकट्ठा करके आपको प्रेजेंट कर सकूं। प्लीज़ मुझे बताना, बिल्कुल मत भूलना आपको आज का लेक्चर कैसा करा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। सबके रिप्लाई ज़रूर मैं करता हूँ, हार्ट ज़रूर देता हूँ सबके कमेंट्स पे, और कोई भी अगर कोई सुझाव हो तो भी आप मेरे को दे सकते हो। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड।